But the movie, want to know? It's beautiful. Very it's nice. Very well made. Very well made. Lovely acting. Excellent. I really recommend the movie for everybody. It's a nice movie. So who's acting you like the most? Siddharth Malhotra has acted very well. In fact, Akshay Khanna, Sonakshi, everybody has acted yeah. well. How about the direction and lovely, very well, very well. So finally come to look at who's the guilty person? Who's the? You should watch it. Yeah, I'm we can't disclose it now. Then there's no fun in it. So how many stars would you like to get? 5. If it is out of 5. If it's out of 10, then 10. Yeah. Good, very nice. Thank you so much. The movie's good. Akshay Khanna was very, very nice. Yeah, thanks. Okay. Storytelling bhi achhi hai. Screenplay thoda better ho sakta tha. Otherwise, performance-wise, Akshay Khanna was really nice. But Siddharth or Sonakshi, not that great. Okay. Sorry? सॉन्ग्स तो थे ही नहीं, बैकग्राउंड था बस. सॉन्ग्स तो फिल्म में है नहीं, एंड जो भी क्लाइमैक्स है, जो भी है, दैट्स प्रीटी गुड. मतलब वन टाइम वॉच. डायरेक्शन इज़ फाइन, नॉट दैट ग्रेट. स्क्रीन प्ले जैसा मैंने कहा, इट कुड हैव बीन बेटर. थोड़ा सा बीच में फ्लैट पड़ जाता है, क्योंकि दो साइड की स्टोरी बताते होती एक जैसी है, बट उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया नहीं, तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है वो. अदरवाइज़ फिल्म वन टाइम वॉच है, देख सकते हो. बिकॉज इट्स अ थ्रिलर, वन टाइम तो देख ही सकते हो. पहले भी इत्तेफाक आ चुकी है, तो कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? मैंने पहले की इत्तेफाक देखी नहीं है. सोनाक्षी और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री कैसी है? दोनों स्क्रीन में एक साथ है ही नहीं पूरे फिल्म में, तो उनकी केमिस्ट्री तो मतलब ऑब्वियसली नहीं होगी. कितने स्टार्स देना चाहिए? 2.5. थैंक यू. कौन सी मूवी देखी है? मैंने इत्तेफाक मूवी देखी है. तो मूवी वन टाइम वॉच है, ना ज़्यादा कन्विंसिंग है, बट हाँ एंड तक थोड़ी पता नहीं चलता कि कौन गिल्टी है. सो एवरीवन शुड वॉच एटलीस्ट अ वन टाइम. स्टोरी टेलिंग जितनी ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर से जितना जज किया था, तो उससे उतनी खरी नहीं उतर पाई. कहीं ना कहीं फीकी पड़ती गई है. दो तरह से सेम स्टोरी दो अलग अलग वे में बताई है, तो वो एक आइडिया कुछ अच्छा था. अक्षय खन्ना नेल्ड इट. एंड सोनाक्षी इज़ लाइक एज पर वो प्रीवियस मूवी से भी अगर उनको जज किया जाए तो इतनी कोई खास नहीं लगी मूवी. बट हाँ सिद्धार्थ हैज़ डन रियली डन जॉब वेल. कम ऑन, इट्स अ थ्रिलर मूवी, सो नो मैसेजेस. लाइक आई वुड लाइक टू गिव एट लीस्ट 3 stars, दैट्स ऑल. ओके, सो कौन सी मूवी देखी आप? मैं फिलहाल इत्तेफाक मूवी देख के आई हूँ. कैसी लगी? काफ़ी अच्छी मूवी, बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी मूवी आई है. थ्रिलर मूवी है तो अच्छी है, पहले इत्तेफाक से ज़्यादा अच्छी मूवी है ये. और मुझे अक्षय खन्ना की एक्टिंग इसमें ज़्यादा अच्छी लगी. सिद्धार्थ भी ठीक ठाक ही है, बट अक्षय खन्ना इज़ वेरी सुपर. फिर गाने की बात करें तो गाने किस तरह के थे? जैसे कहा जा रहा है कि गाने तो है ही नहीं, तो स्टोरी कन्विंसिंग, गाने की कमी महसूस हुई? वैसे थ्रिलर मूवी है तो गाने की कमी तो वैसे भी महसूस नहीं हुई, बट कभी मूवी है तो सॉन्ग भी तो होना चाहिए, ऐसा तो लगता ही है. सो अगर जैसे तीन एक्टर है, अक्षय खन्ना है, सोनाक्षी है, सिद्धार्थ है, तो किसकी एक्टिंग ज़्यादा कन्विंसिंग और ज़्यादा अच्छी? इसमें सबसे ज़्यादा अक्षय खन्ना की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. कन्विंसिंग भी अच्छी भी है, और बहुत सीरियस मोड में उन्होंने बहुत एक्टिंग अच्छी की है. कितने स्टार्स देना चाहूँगी? आउट ऑफ 5 मैं 4.5 देना चाहूँगी. थैंक यू. इत्तेफाक किस तरह की लगी? ठीक थी मूवी, सस्पेंस अच्छा था, लेकिन एंड तक कुछ पता नहीं चल रहा था क्या चलो या क्या नहीं, इसलिए इतना मज़ा नहीं आया. अच्छा, बांधे रखी थी स्टोरी? हाँ ठीक, बहुत सस्पेंस ही ज़्यादा था मूवी में. स्टोरी कम सस्पेंस ही गेम चल रहा था उनका. ठीक थी मूवी. एक्टिंग वो अक्षय खन्ना, या आई डोंट नो नेम, बट अक्षय खन्ना इज़ अ वेरी गुड एक्टर इन दिस मूवी, दैट्स व्हाई. तो क्या कर सकते, पूरा सिक्वेंस में सस्पेंस में सब खींच लिया. अभी सॉन्ग में उन लोग को ही मालूम क्या नहीं क्या, डायरेक्टर को मालूम क्या किया क्या नहीं. 3.5. थैंक यू. कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? इत्तेफाक. किस तरह लगी मूवी? बहुत अच्छी. अच्छा, क्या स्टोरी टेलिंग किस तरह की थी? एक्चुअली मूवी है सस्पेंस वाली है, और अक्षय खन्ना की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी वो मूवी में. और मेन थिंग एंडिंग तलक जो सस्पेंस दिखा है, जो मारा नहीं है, वो मेरे को बहुत पसंद है मूवी में. एक बार और आ चुकी है, दूसरा है, देखा जाए क्या थिंग. अकॉर्डिंग टू मी सेकेंड मूवी इज बेटर, सस्पेंस इज अ
मेन थिंग है। सॉन्ग्स एक भी नहीं है देखा जाए तो, बॉलीवुड में बिना सॉन्ग की मूवी है तो क्या कमी कमी सेलिंग हो रही है? सॉन्ग्स ही सब कुछ नहीं है मूवी का, जो मेन हाँ हिस्टोरिकल दैट्स इम्पोर्टेंट। मेरे तरफ से मैं 3 स्टार दूंगा। वेलकम।